नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं आपको शैम्पू के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन दूंगी। बहुत लोगों को हेयर ग्रोथ शैम्पू चाहिए होता है, बहुत लोगों को एंटी हेयर फॉल एंटी डैंड्रफ शैम्पू चाहिए होता है, अपने हेयर को स्ट्रेंथ करने के लिए, अपने हेयर को शाइनी बनाने के लिए शैम्पू चाहिए होता है। बट एग्जैक्टली व्हाट इज द रोल ऑफ शैम्पू, विच इज द बेस्ट शैम्पू, आपको अपने हेयर के अकॉर्डिंग कौन सा शैम्पू चूज करना चाहिए एंड कितने टाइप के शैम्पू है एंड कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा, वो सारा चीज मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शैम्पू का सिर्फ एक रोल है, आपके हेयर को अच्छे से क्लीन करना, दैट्स ऑल। शैम्पू को हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे हेयर पे जितने भी एक्सेस डर्ट हैं, पॉल्यूशन की वजह से जितने भी जर्म्स बिल्डअप हो चुके हैं या फिर एक्सेस ऑयल हो चुका है, उन सारे को रिमूव करना। उसके सिवा शैम्पू का कोई और रोल नहीं होता है, बिकॉज इट इज जस्ट अ क्लेंजर फॉर आवर स्कैल्प जो अच्छे से हमारे हेयर को क्लीन करता है। देयर इज अ लॉट्स ऑफ मार्केट गिमिक की एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू, 5-in-1 रिपेयर, 10-in-1 रिपेयर एंड बहुत सारे तरह के शैम्पूज मार्केट में अवेलेबल है। बट द शैम्पू विच इज अ गुड क्लेंजर, सिर्फ वही शैम्पू आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 2-5 मिनट हमें लगता है शैम्पू यूज करने में, और 2-5 मिनट में किसी भी चीज से हम अपने हेयर को क्लीन कर रहे हैं वो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रोवाइड नहीं करेगा। हेयर ग्रोथ के लिए आपको हेयर ऑयल यूज करने की जरूरत है, अदर हेयर ट्रीटमेंट्स आप कर सकते हो, बट उसके लिए आपको शैम्पू हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज शैम्पू का सिर्फ ये रोल है कि आपके हेयर को अच्छे से क्लीन करे। आपके लिए बेस्ट शैम्पू वही होगा जो आपके हेयर पे जितने भी बिल्डअप है, जितने भी डॉट है और जितने भी एक्सेस ऑयल है उसको रिमूव करे, साथ ही साथ आपके हेयर को रूखा ना बनाए, आपके हेयर को एक्सेस ड्राई आउट ना करे। बिकॉज बहुत सारे मार्केट में ऐसे शैम्पू भी अवेलेबल हैं जिसमें बहुत हाई अमाउंट में सर्फेक्टेंट डाला रहता है, जिसके वजह से हमारा हेयर है शैम्पू करने के बाद एक्सेस ड्राई एक्सेस फ्रिजी हो जाता है। इट्स जस्ट बिकॉज कि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स डाले हैं जिसके वजह से हमारा हेयर एक्सेस क्लीन हो रहा है, वैसा भी आपको नहीं चाहिए। यू जस्ट नीड अ माइल्ड क्लेंजर एंड आपको फोम पे उतना ध्यान नहीं देना है, बिकॉज फोम से हमारा हेयर क्लीन नहीं होता। शैम्पू में कैसी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज है उससे हमारा हेयर क्लीन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एंशियंट टाइम्स में सभी लोग मुल्तानी मिट्टी से अपने हेयर को वॉश करते थे, तो क्या मुल्तानी मिट्टी फोम करता है? नहीं, बट फिर भी उनका हेयर अच्छे से क्लीन भी होता था, उनका हेयर हमसे कई गुना ज्यादा हेल्दी भी था, कई गुना ज्यादा शाइनी भी था और उनका हेयर रफ भी नहीं होता था, बिकॉज मुल्तानी मिट्टी एक्सेस डॉट एंड ऑयल को अपने में खींच लेता है और उसको पानी के साथ निकाल देता है। शैम्पू का भी यही रोल है, जितने भी फोम वगैरह होते हैं वो सारा कुछ आपके एक्सेस डॉट को रिमूव करते हैं, एक्सेस ऑयल एंड एक्सेस डॉट को सोक करते हैं एंड वॉटर से जब आप रिंस करते हो तो वो सारा डॉट आपके हेयर के थ्रू निकल जाता है। दैट इज द ओनली रोल ऑफ द शैम्पू। बट हमारी आदत ऐसी हो गई है कि जब तक फोम ना हो तब तक हमें लगेगा कि नहीं अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, एंड इसी चीज का यूज बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। एक्सपीरियंस मतलब जितना ज्यादा फोम कर सके अच्छा आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए, वो लोग बहुत सारे केमिकल्स डालते हैं जो कि हमारे हेयर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। एंड सबसे पहला चीज आपको ये करना है कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स वाले शैम्पू है उनको आपको डिच करना है एंड आपको गुड केमिकल शैम्पू या फिर हर्बल शैम्पू की तरफ स्विच करना है। मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, मार्केट में 3 तरह के शैम्पूज अवेलेबल है। 1 इज वेरी हार्मफुल केमिकल शैम्पू, 2 इज गुड केमिकल शैम्पू विच इज कंसिडर्ड टू बी मोर सेफर एंड नेचुरल शैम्पू, एंड 3rd इज हर्बल शैम्पू जिसमें बहुत सारे हर्ब्स डाले रहते हैं जो कि हर्ब्स के मिक्सचर से बनता है। तो सबसे पहला टाइप का जो शैम्पू है विच इज हार्मफुल केमिकल वाले शैम्पूज, वो हमारे हेयर के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे हेयर को लॉन्ग रन में डैमेज करता है, वो एक्सपीरियंस अच्छा देता है बट वो हमारे हेयर को लॉन्ग रन में वीक बनाता है, हमारे हेयर फॉल को इंक्रीज करता है, हमारे हेयर ब्रेकेज को इंक्रीज करता है, हमारे हेयर को एक्सेस ड्राई आउट करता है, एक्सेस फोम करता है जिसके वजह जो हमारे हेयर का नेचुरल ऑयल था उसको भी डिस्टर्ब करता है, स्कैल्प के पीएच को भी डिस्टर्ब करता है। तो इन सारे टाइप्स के शैम्पूज आपको नहीं चूज करने, उसके बदले आप स्विच कर सकते हो गुड केमिकल शैम्पू से, जिस शैम्पू में जेंटल माइल्ड केमिकल्स डाले रहते हैं फॉर क्लेंजिंग योर हेयर, वो आपके हेयर को किसी भी तरह का हार्म नहीं करेगा, लॉन्ग रन में आपके हेयर को हील करेगा एंड लॉन्ग रन में आपके हेयर को हेल्दी बनाएगा। इस तरह के शैम्पूज आप यूज कर सकते हो। बहुत लोगों को रहता है नहीं मुझे उतना नेचुरल नहीं जाना है, मुझे सिंपली एक माइल्ड जेंटल शैम्पू चाहिए जो कि हमारे हेयर को क्लीन करे, मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो केमिकल हो नॉन केमिकल हो, आई जस्ट नीड अ गुड क्लेंजर। तो उसके लिए आप ये गुड केमिकल वाले शैम्पू यूज कर सकते हो। मैं इन सभी का लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगी अभी थोड़ी देर में, ऑल्सो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगी ताकि
ताकि आपको इजी हो परचेज करने में, बिकॉज सभी कुछ इजिली अवेलेबल है ऑनलाइन। मैं सारे शैम्पूज ऑनलाइन अमेजोन से परचेज करती हूँ, वो उसी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग, अपने हेयर नीड के अकॉर्डिंग, विच इंग्रेडिएंट यू प्रेफर, विच ब्रांड यू प्रेफर, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो द राइट शैम्पू फॉर यू। एग्जैक्टली कोई एक शैम्पू हम सभी को सूट कर जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम सभी का हेयर टाइप अलग है, हम सभी अलग अलग वेदर कंडीशन में रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, हम सभी का जेनेटिक्स अलग है, तो एक चीज हम सभी को सूट नहीं कर सकता है। जस्ट अबाउट कि आपको पता है आपकी हेयर टाइप क्या है, आपको क्या नीड है, आपको क्या सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको नेचुरल ऑप्शंस दे सकती हूँ जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था गुड केमिकल शैम्पू, ये आपके हेयर के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं होता, ये आपके हेयर पे जेंटल होता है, माइल्ड होता है। नाउ द थर्ड वन इज हर्बल शैम्पूज, वो सारे शैम्पू जो कि हर्ब से बने हैं, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, हिबिस्कस, मेथी दाना, जटामासी, ये सारे इंग्रेडिएंट या फिर इनमें से कुछ एक दो तीन इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले गए हैं, ये सारे हर्ब्स हैं, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो कि हमारे हेयर को क्लीन भी करता है और हमारे हेयर को लॉन्ग रन में हेल्दी भी बनाता है। इस पे अगर आप स्विच करोगे तो आपका हेयर काफी हेल्दी हो जाएगा, बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, बट उसको आपको फिर लॉन्ग रन में यूज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी से अगर आप हार्मफुल केमिकल वाले शैम्पू 2 साल तक यूज करते हो, आपका हेयर और ज्यादा डैमेज होते जाएगा विथ नेचुरल, विथ हर्बल शैम्पू और नेचुरल बेस्ड शैम्पू। तो उससे क्या होगा कि आपका हेयर लॉन्ग रन में, आई मीन 2 साल के बाद, आपके जितने भी डैमेजेस हुए थे ऑलरेडी वो भी क्योर होंगे, आपका हेयर धीरे धीरे हेल्दी भी होगा। इसीलिए केमिकल वाले शैम्पू को डिच करके नेचुरल शैम्पू और गुड केमिकल शैम्पू पे स्विच करना इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग रन, बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि हम शैम्पू करना छोड़ देंगे, शैम्पू तो हमें करना ही है, बस हमें शैम्पू को चेंज करना है, हमें राइट शैम्पू को चूज करना है, ठीक है। एंड किसी भी शैम्पू पे स्विच करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके हेयर को कुछ और चीज की आदत है, आपके हेयर को हार्मफुल केमिकल्स की आदत है, वैसे शैम्पूज की आदत है। अगर आप नेचुरल चीज पे स्विच करते हो तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा टू सूट, ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, धीरे धीरे वो आपका हेयर तो फॉल होगा ही, बट आपको सूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 3 से 4 बार आपको यूज करना पड़े उस शैम्पू को रेगुलरली, तब जाकर के वो धीरे धीरे आपके हेयर पे सूट हो। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको सारे लिस्ट प्रोवाइड करती हूँ ऑफ द गुड केमिकल शैम्पूज एंड कम्प्लीटली नेचुरल हर्बल शैम्पूज, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हो, बोथ आर अमेजिंग शैम्पूज। मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती हूँ कि केमिकल बुरा है, गुड केमिकल्स आर गुड, बट द हार्मफुल बैड केमिकल्स, हार्श केमिकल्स आर सुपर बैड और उसके हमें यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन सभी का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इन सभी का अमेज़न लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन कंडीशनर, बिकॉज कंडीशनर में भी बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं। तब तक आप सब्सक्राइब कर लेना, स्टे ट्यून्ड एंड बाय।